फिलहाल का इधर का व्यू चेक कर सकते हैं, पूरा धुंध से घिरा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा रूम, जहाँ पे मन लगा वहाँ पे फेंक दिए सब सामान। तो आज का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है यहाँ से। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज द गो राइडर, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए दिन नए ब्लॉग में आप लोग स्वागत करते हैं। इंडिया टू नेपाल 90 डे सीरीज का गाइस, आज मेरा डे 40 है। तो मेरा चाय आ चुका है, ठीक है, मेरा कॉफी आ चुकी है, इसके बाद चलो पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से उल्लेरी टू गोरेपानी से कल जाएंगे पुनील के लिए। तो यार यहाँ से आँख नहीं खुला क्योंकि यार सन मेरे मुंह पे ही पड़ रहा है ना इसलिए। अरे यहाँ पे कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा, थोड़ा देर पहले दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है, देख सकते हो, रोटी है और सब्जी है। चलो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं। इसमें कुछ नहीं छूटा हुआ है, कुछ नहीं छूटा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई, फिर एक बार जाने के बाद फिर आएंगे थोड़ी इधर फिर। चलो ठीक है, नज़ारा सुबह का कुछ भी नहीं खुला हुआ है, उसी टाइम से वेट कर रहे थे कुछ खुलेगा, मगर कुछ भी नहीं खुला हुआ है। बाय बाय, ओके बाय बाय। भी आना तो ये होटल में स्टे करना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। ज़्यादा तो आज नहीं चलना है, बट थोड़ा तो चलना पड़ेगा गोरे पानी के लिए, बट कल जैसा नहीं है। कल तो बहुत ही हार्ड ट्रैकिंग था यार, जो सोचे नहीं थे उससे भी हार्ड ट्रैकिंग था ये। आज वही लमसम हमको चलना पड़ेगा 5 से 6 घंटा, करीबन वही शाम को पहुँच जाऊँगा 4-5 बजे तक, अभी वही 10 बज रहा है। कल का प्राइस आप लोग नहीं बताए थे, बट आज होटल का प्राइस बता देते हैं। पर पर्सन 1000, नॉन वेज और नॉन वेज के लिए 1200। Slow the motion, slow the road that you're on, keep it going, when the going gets rough, just remember how a heavenly touch lasts forever. अभी मौसम क्लियर नहीं है, पूरा धुंध से घिरा हुआ है। इधर चेक करो, इसमें आप लोग क्या दिखाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरह का चढ़ना है, ये तो कल जैसा ही दिख रहा है यार। यहाँ पे तो खाली सीढ़ी है, सीढ़ी है, नॉर्मल होता है ना पहाड़ वैसा नहीं है, खाली सीढ़ी चढ़ना है ऑलमोस्ट। तो नहीं होगा तो आज भी 200 सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। घोरे पानी जाने के लिए ऊपर से आगे नहीं, ठीक है। ये नीचे कहाँ जाता है, पोखरा इधर से भी रूट है, यहाँ तक बस आता है, जीप आता है। ओ भाई, उल्लेरी तक जीप आता है। आप लोग अगर आना चाहते हो तो हिले तक भी आ सकते हो, नहीं तो आप लोग उल्लेरी तक आ सकते हो बाइक के कार लेकर, जो कि यहाँ का देख सकते हो इस तरह का रोड है, थोड़ा डेंजरस रोड है, अच्छे से आना, मैं तो यही बोलूँगा। मेरे को पता नहीं था, नहीं तो मैं भी जीप में आता भाई, मेरा बाइक नहीं था ना, बाइक रहता तो बाइक से यहाँ तक आते जैसे भी, उसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। Slow the motion, slow the road that you're on, keep it going, when the going gets rough, just remember how a heavenly touch lasts forever, in the end we are one, I have the patience. थोड़ी देर रुके, पानी पीते, उसके बाद चला जाएगा आगे, पूरा सीढ़ी ही चढ़ना है पीते। इधर चेक कर सकते हो, अब लग रहा है जंगल में आ चुके हैं, ऐसा फील आ रहा है। यहाँ पे मस्त, वहाँ पे रेस्ट किए, सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद फिर निकल चुके हैं घोड़े पानी। घोड़े पानी को दो नाम से बुलाया जाता है, एक घोड़े पानी, एक घोड़े पानी। I'm a sudden dress on, you know it, no one's gonna stop.
130 उलेरी से लगभग वही आधा घंटा में यहाँ पे पहुँच गए 130। अब यहाँ से कौन सा प्लेस बोले थे? नंगे ठाटी जो कि यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद घोरे पानी जो कि यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे हर एक जगह छोटा छोटा स्टॉल बना हुआ है रहने के लिए, खाने के लिए हर एक चीज़ है यहाँ पे फैसिलिटी। आओ जहाँ पे मन लगे वहाँ पे रहो, बट आवा को एक बार आके जरूर विजिट करना, ठीक है? ये होटल है ग्रीन हिल व्यू गेस्ट हाउस, ठीक है? निकलते हैं आवा, ठीक है? लेकिन इधर अभी पानी नहीं पड़ा है, रोड बहुत अच्छा है, बोल रहे हैं आवा आराम से जाओ, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो पानी पड़ेगा थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। चलो अभी पानी नहीं पड़ रहा, जितना जल्दी हो सकता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कल सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, जैसे मारदी में उठे थे ना वैसे यहाँ पर भी 3 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगेगा पुणे जाने के लिए घोरे पानी से। चलो पहले तो ये कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा आप लोग को, लेज वगैरह, फ्रूटी चाहिए, कोक चाहिए, स्निकर्स चाहिए, ओरियो चाहिए, सब चीज़ का फैसिलिटी है, टोपी वगैरह सब चीज़ मिलेगा, टावल। और यहाँ पर देखो छोटा सा एक नेपाल का फ्लैग है। रास्ता तो गुम होने वाला नहीं है, सीधा आना है, जहाँ पे कुछ आएगा तो वहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे दूँगा, ठीक है? अम्मा सनफ्लावर फूल है ये देखो, और सामने वाटरफॉल, और इधर वाटर क्रॉसिंग, ये भी क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को अभी, बट यहाँ पे भी देखो लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पे भी यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है। ओहो तब बिक जाता है ना, तो चलने का मन नहीं करता, फिर मन करता है जब तक सूखेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं आगे। बट मस्त नज़ारा है, बट कुछ दिख नहीं रहा है, हरियाली हरियाली सिर्फ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना एक पहाड़ दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, सब धुंध से घिरा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर 3 रास्ता गया है, ठीक है? एक जाता है खोखे डाड़ा, मोहरे डाड़ा, ठीक है, जो ऊपर से जाता है, और इधर से तो पूरा लैंडस्लाइड गिरा हुआ है वहाँ पे देख रहे हैं। और पोनिल जाने के लिए आप लोग को ये जस्ट वाटर क्रॉसिंग है ना, उसके जस्ट आगे आइएगा तो 3 रास्ता आएगा, ठीक है? उधर नहीं जाना है मोने डारा कुके डारा, हमको जाना है पोनिल घोरे पानी, तो हमको यहाँ नीचे से जाना पड़ेगा। यहीं पे एरो दिया हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है घोरे पानी जाने इधर, ठीक है? चलो चलते हैं। ये साइड देखो, ये तो जंगल में आ गया यार पूरा, ऊपर रोड था और इधर जंगल है। कुछ भी समझ नहीं आता है तो वहाँ पे लोकल आदमी से पूछो, उसके बाद ही ट्रैवल करो, नहीं तो गुम हो सकते हो। The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. पता नहीं मैं कौन सा जंगल में आ चुका हूँ, देख सकते हो जहाँ पे भी देखो जंगल ही है, मैं एक घर दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, उसी टाइम से आप लोग 360 में देखे होंगे वहीं पे भी कोई नहीं है, सिंगल जा रहे हैं और इतना गहरा जंगल है। चलो निकलते यार फटाफट, नहीं तो इधर थोड़ा डर लगने वाला जगह है यार, ये तो बहुत ही गहरा जंगल है ये तो। यहाँ पे देखो अगर आप लोग पोनिल के लिए आते हो तो भाई रास्ते भर में आप लोगों को वाटरफॉल मिलते रहेगा, बहुत सारा मिलेगा आप लोगों को, और ऐसा ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जो कि भयानक लग रहा है यार, भयानक। देखो ना वहाँ पे अंधेरा दिख रहा है पूरा, समझ ही नहीं आ रहा ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ तो कोई भी नहीं। पूरा पेड़ हिल रहा था यार, लग रहा था कोई दौड़ के आया ऐसा फील हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ यार इधर से।
था ना, कंफ्यूज हो गया था यार, क्या हो रहा है यार। यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर सकते हो, महादेव जी के त्रिशूल है, यहाँ पे एक शिवलिंग है, गणेश जी का भी एक मूर्ति है। और मैं तो जंगल में पूरा डर गए थे यार, वहाँ पे कुछ लग रहा था, पूरा पेड़ ऐसा हिल रहा था ना, लग रहा था कोई आ रहा है, ऐसा फील हो रहा था। यहाँ पे एक स्टॉल देखकर यार मेरे को थोड़ा सुकून मिला, यहाँ पे आकर थोड़ा खाएंगे समझो तो उसको चला जाएगा आगे के लिए। वहाँ पे एक महादेव जी का शिवलिंग है, गणेश जी का एक मूर्ति है और त्रिशूल है, वहाँ पे दर्शन किए। जस्ट आप लोग दो कदम आगे आइएगा ना, यहाँ पे एक स्टॉल है, नया 30 का एक प्लेस है, कांस्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये भी, और कोनिल पड़ता है मैगी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे चेक कर सकते हो, ये किचन छोटा सा स्टॉल है उधर बैठ के खाने के लिए, और सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है, सामने चेक कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे देख सकते हो एक फेंटा ले लिए हैं जो कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही काम लगेगा। और यहाँ पे मेरा चौंचा बन रहा है, वहाँ पे मेरा चौंचा आ चुका है और सामने फेंटा है। चलो खाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं घरे पानी के लिए। मेरा चौंचा जो कि फ्री, मेरे पास चौंचो था बट आमा को बोले कि पका देने के लिए, तो आमा पका दिए, वो फ्री में, नो मनी, पैसा नहीं देना है, फ्री में खाओ, अच्छा है, अच्छा लगता है। यहाँ पे चौंचो तो खा लिए बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। अब यहाँ पे रेनकोट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं आगे, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे। चलो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं। चेक कर सकते हो, गोरेपन जाने के लिए इधर से जाना पड़ेगा, इधर का नज़ारा तो अलग लेवल का है, देख सकते हो पूरा जंगल है, सिर्फ एक ही होटल है नया 30। ये देखो, फिर सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरा पैर पूरा दर्द कर रहा है। नया 30 से लगभग वही 10 मिनट आगे है मांगे 30 पास की, यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही होटल है। सामने चेक कर सकते हैं, ऐसा पानी आ रहा है, इस पानी के ऊपर ही चल के जाना है मेरे को। और इधर साइड में देख सकते हो पूरा जंगल है, उसी टाइम से चल रहा है यार, कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे कुछ भी मालूम नहीं है, मज़े नहीं आ रहा कितना घंटा में पहुँचेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. Escape this town with me. तो यहाँ पे देख सकते हो जोक पकड़ लिया, देखो इस पे और देखो कौन कौन साइड पकड़ा हुआ है मेरे कुछ मांग। चलो इसको निकालते हैं, यहाँ पे देखो कैसे भाग रहा है, इसलिए बोलूँगा आप लोगों को बारिश में आती हो तो आराम से आना देख कर, ठीक है, नहीं तो पूरा खून चूस जाएगा आपका। चलो बैग निकाल के देखते हैं, बैग में तो नहीं है, इतना भी जोक था सब निकाल दिए, चलते हैं अब, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे यार, कहीं पे भी नहीं बैठेंगे, चलते रहेंगे। जोक पकड़ ले रहा है यार, मैं थोड़ा देर बैठा था वहाँ पे और चलने लगा तो मेरे हाथ में क्या चल रहा है दिख रहे हैं, तो जोक पकड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, अब नहीं रुकेंगे कहीं पर, सिर्फ चलते रहेंगे। तो फाइनली गाइस, इतना कष्ट करने के बाद हम पहुंच चुके घोरे पानी पोन हिल, वेलकम टू घोरे पानी। यहाँ पे चेक कर सकते हो, वही करीबन हम निकले तो उल्लेरी से 10:15 में, और यहाँ पे पहुँचे 2:15 में, मतलब 4 घंटा लग गया। यहाँ पे चेक करो, वेलकम टू घोरे पानी पोनिल, नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे चेक करो, और सामने है टूरिस्ट पुलिस ऑफिस चेक पॉइंट। तो फाइनली हम इंटर हो चुके हैं घोरे पानी, जो कि यहाँ पे चेकिंग पोस्ट था, वहाँ पे परमिट दिखाना पड़ा। इधर देखो ताड़ा पानी, गांधरुक की इधर से, और ताड़ा पानी यहाँ से जाने के लिए 4 घंटा लगेगा। गांधरुक से आता तो
14 किलोमीटर यहाँ पे आ जाती है यार, ये बहुत कम है ना, बट बहुत सही लग रहा है यार। बट मौसम क्लियर नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है रहने के लिए, खाने के लिए, लॉज वगैरह, बट मैं जाऊँगा सनी गेस्ट हाउस, ओके, क्योंकि वहाँ पे बुकिंग है ना, इसीलिए। तो मैं होटल खोजते खोजते कहाँ पे पहुँच गया हूँ, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। शायद सामने वहाँ पर दिख रहा है द सनी होटल गोरेपन, हाँ यही है। ऊपर चलते हैं होटल में। देखो यहाँ पे ब्लैक टी आ चुका है, मैं आ चुका हूँ होटल में, अभी चलूँगा थोड़ा देर में रूम में। यहाँ पे देखो कपड़ा सुखाना होगा तो यहाँ पे सुखा सकते हो, मस्त वहाँ पे हीटर है। जाते ही पहले कहीं भी जाते हैं पहाड़ों पे तो पहले ब्लैक टी पीते हैं, उसके बाद रूम में जाते हैं। मेरा रूम इधर साइड है, 201। इधर से कुछ भी नहीं दिखता है, उधर वाला रूम 200 उसमें दिखता है, वो बुक है। ओ ठीक है, कोई बात, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। सूज तो बाहर ही खोलना पड़ेगा कि नहीं? नहीं इधर ही खोलो। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ, जो कि हमको पड़ा है 1000। ये दो बेड मिला है, और यहाँ पे सामने देख सकते हो अटैच बाथरूम भी है, और सामने से व्यू भी देखने को मिलेगा। 1000 रुपीज़ पड़े। तो गाइस मैं फ्रेश वेश होकर जस्ट नीचे आया हूँ, तो देख रहा हूँ तो देखो बारिश स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे पूरा धुंध से घिरा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं, एक लोगो लगा देते हैं, गो राइडर सूर्य हेयर एट फर्स्ट टाइम इन कोरेपानी ओनिल। चलो यहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं, चेक कर सकते हो मेरा लोगो। आप लोग आना तो यहाँ पे मेंशन जरूर करना स्टोरी डालकर, मैं जरूर आपका स्टोरी शेयर करूँगा, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं। एडिटिंग करते करते पता ही नहीं लगा कितना टाइम हो गया था, और भी चार पर देख रहा हूँ तो 9:30 हो चुका है। चलो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट डे 41 में, तब तक के लिए जय हिंद, राम महादेव, जय श्री राम।